तो भाइयों कैसे हैं आप सब। आज एक सबसे फनीस्ट ग्लिच और सबसे डेंजरस ग्लिच मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है, मुझे पता है कि आपको पता ही होगा, पर मेरा फेवरेट ग्लिच है वो। बहुत काम का है। अब ये पकड़ लिया, अनलिमिटेड। तो भाइयों मैं आज आपको अपने लेआउट भी दिखाना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी फोर फिंगर लेआउट है, बहुत कंफर्टेबल है। मैंने कई बार क्लचेस इससे किए हैं। एक बार मैं क्या बताऊं भाई, तो एक बार मैं नॉर्मल मैच खेल रहा था रैंडम टीममेट्स, ये क्यों उठा रहे, और इतनी डरावनी चीज हुई, मेरे सारे टीममेट्स तो मर गए अपनी गलतियों के कारण, फिर मैं बचा। और भाई मैं बता नहीं सकता, एक बंदे के पास ऑग थी, एक बंदे के पास ग्रोजा, और एक बंदे के पास M249 और बग्गी, एक बग्गी से आया था और एक बाइक से आया था, तीन पहियों वाले नहीं, एक ये वाली बग्गी और एक वहां पर ये जो सबसे पहले बाइक पड़ी होती है ना, ये वाली, ये तो ये वाला था। और मैं था अकेला, मैंने ना ही कोई टीममेट था ना ही कोई कुछ था, मैंने दोनों को तीनों को मार दिया। हाँ ये है कि मुझे बस मरने का उस पे आ गया था, 50 HP बची थी, पर नहीं ये सबसे अच्छी चीज थी आज तक। तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ फोर फिंगर की इम्पोर्टेंस। फोर फिंगर खेलते हो तो रिएक्शन टाइम बढ़ता है, TDM जैसी उसमें रिएक्शन टाइम सबसे ज़्यादा होना चाहिए, प्लस ऐसे में भी जो ये नॉर्मल वाला होता है उसमें भी होना चाहिए। क्यों तो भैया मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग में आते हो तो बस ऐसे टाइम वेस्ट ना करो, ये जो चीज़ें होते हैं ना इनको एक बार बिन स्कोप के भी मारो और छोटे स्कोप से भी मारो, उससे आपको ट्रेनिंग हो जाएगी। मैं भी इसके बाद आपको अपनी सेंसिटिविटी, पिकअप, अपने कंट्रोल्स, बेसिक सब दिखाऊंगा अपने। बेसिकली ये लेआउट वाली वीडियो है और एक फनी मोमेंट हो डालना ही पड़ता है। ओके तो अब मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ आपको क्या करना है। इधर खड़े होना है ऐसे, मैं आपको कहता हूँ जायरोस्कोप ऑन कर लो, मैंने अभी ऑन नहीं किया हुआ। अब उससे ये होता है आप बस अपने मोबाइल को टिल्ट करो, और ये कौन आएगी इतना तंग कर रहा है। बंदा भाई जैसे अब ऐसे करोगे आप, जायरोस्कोप का ये होता है कि आपकी एक फिंगर फ्री बन जाती है। ऐसे ये आपको ट्राई करना, मैं भी इतना भी अच्छा नहीं हूं बने। अब आपको ना जल्दी से एक और चीज ट्राई करनी चाहिए, मैंने भी YouTube पे देखा था एक बार, आपको दो एम अपने बनाने हैं, एक जैसे आपने एक ये रख लिया और एक ये रख लिया। अरे है नहीं क्या, मैं इसमें ये लगा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ।
तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कैसे। पहले ये उसके लिए आपकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, हाई पर रखनी चाहिए। सेंसिटिविटी लो पर रखे कुछ नहीं मिलता। जैसे ये है, भाई एम क्यों नहीं लग रहा? अभी मुझे भी आदत नहीं है, ये मेरा थर्ड टाइम आया हूँ मैं अपने टोटल में। ये मेरी सेकंड आईडी है, ये मेरी फर्स्ट आईडी नहीं है। 11098 CFS वाली आईडी नहीं है, मनहूस आईडी नहीं है, ये सेकंड आईडी है। इस आईडी का नाम है रफ्तार 0128। ओके तो भाइयों अब मैं आपको अपनी लेआउट दिखाता हूँ। पहले एक ये है, यहाँ ये है, अरे यार ये सेटिंग। फर्स्टली अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप वो भी ले सकते हो। एम असिस्ट एनेबल आपको करना चाहिए, ब्लॉक्स ये सब तो जो डिफॉल्ट है वो तो रहने ही दो। अब आपको स्कोप वाला जो मोड है वो उसको आप हमेशा होल्ड पे रखो, ओके। और जो लीन मोड है, लीन मोड मतलब जो पीक एंड फायर को आधा राइट और लेफ्ट आधा अपनी बॉडी का ऐसे रखना, इसको लीन होना कहते हैं। तो आप आधा मिक्स, ओ आप इसको मिक्स पे कर दो, स्कोप को होल्ड पे कर दो, वो बेस्ट रहेगा। और भाई उसके बाद आते हैं कंट्रोल्स पे। मेरी दो ले आउट, तीन ले आउट है। एक तो छ फाइव फिंगर का, और ये है जो मेरा एम कट का है उसका ले आउट, उसके लिए डिफॉल्ट चाहिए होता है। और ये है मेरा फोर फिंगर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ही ये स्कोप, ये और जब ज़्यादा भर जाता है ना इसको ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो पे कर दो। और हाँ मुझे इसको ट्रांसपेरेंसी अब ज़ीरो कर दो, ऐसे ठीक रहता है। तो भाई अब मैंने भी अपना ये कर लिया। अब आपको मैं सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। ये आपको व्हीकल्स में आपको ये वाला रखना चाहिए, आपके उसमें से आपको कौन सा वो रहता है। तो ये मेरा अभी कस्टमाइज पे, वरना हाई पे था। थर्ड पर्सन का 195 पे रखो, इजी अच्छा रहता है, पर मैं तो हाई पे ही रखूँगा, मुझसे नहीं ठहरा जाता। तो भाइयों आज के लिए इतना ही। और एक और बार आप मैक, अगर आपको बहुत लार्ज आइकन्स आपको रखने का होता है, और आपको जैसे लार्ज आइकन्स रखने हैं बहुत बड़े, तो और आपको दिखता नहीं फिर ढंग से अगर वो फुल उस पर ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो पे नहीं होते, तो मैं आपको कह दूँ ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो पे कर लो, उससे ये होगा। जैसे अब ये है, अगर ये अभी डार्क होता मुझे दिखता ही नहीं है, पर अभी ये डार्क है, इतना नहीं है डार्क तो आराम से दिख रहा है। जैसे ये है स्कूटर, ब्लैक पे ही करते हैं। अब भाई आपको फोर फिंगर अगर आपको खेलना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जैसे अभी आपको स्क्रीनशॉट से बताता हूँ, ये चीज़ है फायर, यहाँ पर भी है ये बैग, मूव, FPP चेंज, गन वन, ये है। अबे हर कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, सॉरी पीक्स।
जंप। हाँ भाई, यहाँ जंप, क्राउच, प्रोन, रिलोड। मैं आपको अब जो कल मैं वीडियो डालूंगा वो अब मेरी वीडियो होगी एमकेट के साथ। मैं बहुत बेकार खेलता हूँ एमकेट के साथ, जब वो एमकेट इवो गेमपैड प्रो 4 है। तो भाई गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, शेयर भी कर देना।